भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिराना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से मुफ्ती साहब के समर्थन में प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। ऐसे में राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके की है, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम नौजवान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। आपकी नज़र जहां तक जाएगी, इसी तरह से जन सैलाब सड़कों पर आपको दिखाई देगा, जो नारेबाजी करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मैंने आपको जो बताया था, बहुत ही इत्मीनान के साथ, कोई किसी तरह की गलत बात, जबरदस्ती का कोई हंगामा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। जिस काम के लिए, जिस बात को रखने के लिए आप आए हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ वो बात रखी जाएगी और इंशाल्लाह उसके बाद मेमोरेंडम पेश करके हम लोग वापस चलेंगे। आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा आप बैठ जाइए, हम अपनी जिस बात को रखने के लिए आए हैं वो बात रख के फौरन ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप बैठ जाइए, आपसे गुजारिश है, आप बैठ जाइए, क्योंकि साउंड सिस्टम इधर ही है, फिर आगे नहीं जाएगा तो आगे दुश्वारी होगी। बस बैठ जाइए, जल्दी करें, जल्दी, जो जहाँ है, जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ जाए, सब अपनी जगह पे बैठ जाए। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है वो आगे आ जाइए, जगह है। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है आगे आ जाइए, जगह है बैठने के लिए। जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए, जगह है बैठने के लिए। जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए बैठने के लिए। बैठ जाइए, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आपसे गुजारिश है बैठ जाइए इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ। बैठ जाइए आप लोग, इशारा किया जाए करें, इशारे में बैठा करें। बैठ जाइए, जहां तक मेरी आंख नजर लग रही है बैठ जाइए, एक बार में, एक दफा में बैठ जाइए। बैठ जाइए सुकून के साथ, बैठ जाइए। आज हमारे और आपके यहां आने का मकसद, आपके हमारे और यहां आने का जो मकसद है, हमारे और आपके यहां आने का मकसद बहुत ही सुकून के साथ, हमारे और आपके यहां आने का मकसद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को मुंबई की सरजमीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें
गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा, शेर याद है आपको? क्या शेर है, क्या शेर है आप बताइए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आज कल हमारा ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है, सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब किबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा, उसके बाद वहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब किबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है, चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है। अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुफ्ती साहब किबला के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला का एक जुमला सुना गया और जुमला सुनने के बाद अचानक गिरफ्तारी हुई। हालांकि तरीका यह था कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था और नोटिस दिया जाता और उसके बाद बाजाब्ते इस मसले की तहकीक होती, लेकिन मुफ्ती साहब किबला को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले के लिए। हालांकि सही बात यह है, उनकी पूरी स्पीच सोशल मीडिया पर मौजूद है, देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी तकरीर में किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने किसी धर्म का मजहब का कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहा। वो अपनी स्पीच मुकम्मल कर रहे थे, करते करते ये एक बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी तकरीर खत्म कर दी। और उससे पहले जैसा कि वीडियो में है गालिबन वो इसराइल या फलस्तीन के मौजू पर बात कर रहे थे। अब गौर करने वाली बात है, अगर कोई यहाँ ये कहने लगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा मानूंगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है। मुफ्ती साहब किबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल किया और मुफ्ती साहब किबला को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले पर। हालांकि सही बात यह है, अगर कोई इस हवाले से बात करना चाहे तो इससे ज्यादा बड़े बड़े जुमले आज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और अगर कोई इनकार करना चाहे तो हम दलाइल के जरिए, दलीलों के जरिए यह बात साबित कर देंगे। ये वो दौर है कि इंसान बोलने वाला मुकर नहीं सकता है, ये वो दौर है कि आज YouTube पर सारी चीजें मौजूद हैं, आपने कब बोला, कहां बोला, क्या बोला, किस लिए बोला, किसके सामने बोला। मुफ्ती सलमान साहब ने अपनी तकरीर में एक आखिर में शेर पढ़ा, लफ्ज़ कुत्ता कहा, सारे लोग उनकी बगावत करने लगे। लेकिन हाल यह है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, थोड़े से जमाने पहले की बात है, हरिद्वार की सरजमीन पर धर्म संसद हुई। देखा नहीं देखा आपने, मौजूद है, गूगल किया जा सकता है, यूट्यूब पर देखा जा सकता है। वहां पर बाजाब्ता ये ऐलान किया गया
20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, ऐलान किया गया, वीडियो मौजूद है, देखी जा सकती है। उसी धर्म संसद में यह भी ऐलान किया गया कि अगर आपको सलामत रहना है या तो मरो या मारो। उसी धर्म संसद में यह भी ऐलान किया गया कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर सलामत रहना है तो तुम्हें हाथों में हथियार उठाने पड़ेंगे। जरा जुमले को एक दूसरे के सामने रखकर गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। यहां तक कहा गया कि जिस तरह म्यांमार में सफाई अभियान चलाया गया, मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, निकाला गया, इसी तरीके से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सफाई अभियान चलाना चाहिए और मुसलमानों को मार मार कर बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान बाज़ाब्ता मुसलमानों से पाक और साफ हो जाए। ये सारी स्पीच मौजूद है, सारी स्पीच मौजूद है। मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अगर बयान आप देखें, लॉकडाउन के ज़माने में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंगा नंद सरस्वती ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की उस वक्त में मुफ्ती साहब सलमान अज़हरी साहब ने जवाब दिया, और ये जवाब का सिलसिला काफ़ी लंबे ज़माने तक चलता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस ज़माने की सारी वीडियोस मौजूद हैं, सलमान अज़हरी साहब की भी और नरसिंहानंद सरस्वती की भी, दोनों की वीडियो को सामने रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लगातार ये कहते रहे, सामने आइए, बैठकर बात कीजिए, मुकाबला होगा, मुबाहला होगा, हम अग्नि परीक्षा देंगे, ये बातें चलती रही। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, हमारे नबी और नबी के सहाबा को लुटेरों की जमात कहा गया, कुरान के बारे में कहा गया, कुरान गालियों से भरा हुआ है माअज़ल्लाह। ऐसे हजारों लाखों जुमले हैं जो कहे गए, और उसके बावजूद हालत यह है, किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन आज जेल में है, किसको परेशान किया गया, किसे सताया गया। आज देख लो मीडिया का हाल यह है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे हैं अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं वो लायक एहतराम हैं, वरना बहुत सारे लोगों ने दुनिया के सामने सिर्फ नाम कमाने के लिए, जरा आप YouTube उठाकर देखो कितने चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब के लिए क्या कहा, जहरीला मौलाना पकड़ा गया, जहरीला बयान देने वाला पकड़ा गया, माहौल खराब करने वाला पकड़ा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहरीला बयान क्या है? दुनिया की ये तारीफ है जब कोई एक पॉपुलर शख्सियत होती है और जब उसको पकड़ा जाता है, किसी मसले पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके मानने जानने वाले थाने में आग लगा देते हैं। ये मुल्क की बेशुमार वाकयात हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी, ये अपनी मोहब्बत का अंदाज है। मैं मुफ्ती साहब के बारे में खबर दे रहा हूं आपको, ऐसा बहुत सारी मिसालें हैं। मुफ्ती साहब जिस दिन गिरफ्तार किए गए, जैसे ही सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया थाने में, उनसे मोहब्बत रखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर पूरा हुजूम आके थाने के सामने खड़ा हो गया, नारेबाजी होने लगी, रिहाई के नारे लगने लगे। जब पुलिस प्रशासन से भीड़ कंट्रोल ना हुई, तो उन्होंने माहौल को शांत करने के लिए सलमान अज़हरी साहब को बुलाया, विंडो के सामने खड़ा किया, उसकी वीडियो मौजूद है, और कहा, सलमान साहब ये भीड़